విమానాలలో అవినీతికి పాల్పడితే రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలను అవినీతి పాల్పడటటువంటి విషయాన్ని పార్లమెంట్ ద్వారా ప్రజానికని తెలియపరిచి చైతన్యవంతం చేస్తున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వాన్ని సూటు బూటు సర్కారు అని చెప్పినటువంటి యువ రాజకీయ వేత్త ఏఐసీసీ అధ్యక్షులు భారత జాతి ఆశాజ్యోతినటువంటి పెద్దలు రాహుల్ గాంధీ గారిని వచ్చి మట్టన కోరుతున్నా राहुल जी हमारा हैदराबाद शहर में आज ने जीएचएमसी में पूरे के पूरा साइकिल निशान हाथ का निशान अंगार का निशान सिदाने के लिए बोली चंद्रबाबू नायडू जी आरसी कुंडिया जी उत्तम रेड्डी जी भाटी जी एल रमन्ना जी हनुमंत राव जी मारी शशिधर रेड्डी जी अंजन कुमार यादव जी बोस राजू जी कोटन राम जी हमारे कैंडिडेट गठबंधन के कैंडिडेट वेंकटेश गौड़ जी गणेश्वर मुदिराज जी दिलीप कुमार जी अनिल यादव जी सब पार्टियों के हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। प्रेस को थोड़ा घुमा देंगे। सबसे पहले मैं चंद्रबाबू नायडू जी का यहां धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका स्वागत करना चाहता हूं। और जैसे उन्होंने कहा, हैदराबाद का नाम जो बना है पूरी दुनिया में आपका शहर जाना जाता है। वो काम चंद्रबाबू नायडू जी ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर किया है। जरूर पिछले सालों में हम एक दूसरे का विपक्ष करते थे, मगर चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही चाहे तेलुगु देशम की सरकार, दोनों ने हैदराबाद को दुनिया में मशहूर करने का काम किया। ये जो आपका शहर है ये मामूली शहर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका का 21वीं सदी में सिर्फ चाइना और हिंदुस्तान मुकाबला कर सकता है। अब देखिए, सुपर पावर के राष्ट्रपति ने कहा कि सिर्फ दो देश अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं, और अगर उन दो देशों में हिंदुस्तान का नाम है तो नाम हैदराबाद के कारण, बेंगलोर के कारण नाम बना है। और ये जो आपका शहर है ये किसी व्यक्ति का नहीं है, ये किसी एक का नहीं है, ये किसी एक नहीं, ये सबका शहर है। दरवाजे सबके खुले रहते हैं, इस शहर में लोग प्यार से रहते हैं, का मुकाबला कर सकते हैं। और अगर उन दो देशों में हिंदुस्तान का नाम है तो नाम हैदराबाद के कारण, बेंगलोर के कारण नाम बना है। और ये जो आपका शहर है ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये किसी एक जात का नहीं है, ये किसी एक धर्म का नहीं है, ये सबका शहर है। इसके दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, इस शहर में लोग प्यार से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं,
एक साथ मिलकर इस शहर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसकी अगर सक्सेस हुई है, अगर यह पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है, तो इसका कारण यह भाईचारा है, एकता है। अब देश में इस एकता को नरेंद्र मोदी जी तोड़ने में लगे हुए हैं। जहां भी वो जाते हैं किसी ना किसी की बुराई करते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। आप याद रखिए, और यहां जो तेलुगु देशम के कार्यकर्ता हैं, आप एक बात याद रखिए, जब नायडू जी 2004 में चुनाव हारे थे, तो मैंने उनके बारे में बोला था कि चुनाव जरूर हारे हैं, मगर इन्होंने हैदराबाद के लिए और अपने प्रदेश के लिए जबरदस्त काम किया है, और इनकी बुराई नहीं करी जानी चाहिए। तो उस समय 2004 में हम विपक्ष में थे, मगर जो इन्होंने किया था, जो सच्चाई थी, उस सच्चाई को हमने भी माना था। तो जरूर विपक्ष का रिश्ता था, मगर इज्जत का भी रिश्ता था। अब आप देखिए, जिस तेजी से हैदराबाद आगे बढ़ रहा था, जो आपका नाम मशहूर हुआ, उसमें रुकावट आ गई। केसीआर जी ने जिस प्रकार से हैदराबाद को आगे बढ़ाना था, जिस प्रकार से उन्होंने हैदराबाद के लिए काम करना चाहिए था, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, सड़कों की बात हो, पानी की बात हो, जिस प्रकार से उन्होंने काम करना चाहिए वो उन्होंने काम नहीं किया, ये पूरा हैदराबाद मानता है, पूरा तेलंगाना मानता है। एक परिवार के लिए पूरे के पूरे प्रदेश, पूरा का पूरा धन एक परिवार के हाथ में जा रहा है। और ये जो गठबंधन बना है, जो स्टेज पे हमारे सीनियर नेता बैठे हैं, चाहे वो नायडू जी हो, चाहे वो कोटमराम जी हो, चाहे वो सीपीआई के लोग हों, और सबके यहां झंडे हैं, ये सब तेलंगाना की आवाज है। ये जरूर अलग अलग संगठन है, मगर ये मिलकर तेलंगाना में सरकार बनाने जा रहे हैं। तेलंगाना की आवाज की सरकार बनने जा रही है, किसी एक परिवार की आवाज नहीं। अब देखिए, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण कर रहे हैं। तेलुगु देशम ने और कांग्रेस पार्टी ने, तेलुगु देशम ने और कांग्रेस पार्टी ने हर वक्त हिंदुस्तान के और इस प्रदेश के इंस्टीट्यूशंस को बचाकर काम किया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, हमारी पार्टियों ने इन इंस्टीट्यूशंस की रक्षा करके काम किया है। पहली बार हिंदुस्तान में 4 सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी के प्रेसिडेंट का नाम जज लोहिया की हत्या में आया, और उन 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने जज लोहिया का नाम लिया, डायरेक्ट हिंट दिया कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो एक के बाद एक जो इस देश को इंस्टीट्यूशन, जिस देश की इंस्टीट्यूशन रक्षा करते हैं, उनको नरेंद्र मोदी एक एक करके तोड़ रहे हैं। सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया जाता है, 2 बजे रात हटाया जाता है,
क्योंकि वो राफेल मामले पे इंक्वायरी करना चाहता है। नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते थे, आपको याद होगा, मगर मैं हैदराबाद के युवाओं को कहना चाहता हूं, आप उनके भाषण सुनिए, आजकल ना रोजगार की बात करते हैं, ना किसानों की बात करते हैं, ना भ्रष्टाचार की। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के इतिहास में राफेल मामले में नरेंद्र मोदी ने स्वयं किया है। थोड़ा समय आपको बताना चाहता हूं, यूपीए की सरकार थी, 126 हवाई जहाज खरीदने थे, एयरफोर्स के जनरल को कहा गया, यूपीए सरकार ने कहा जो भी हवाई जहाज आपको अच्छा लगता है उसको खरीदिए, कम से कम दाम पे खरीदिए, एक शर्त है, हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनेगा, हवाई जहाज को हिंदुस्तान के इंजीनियर्स, साइबराबाद के इंजीनियर्स, बेंगलोर के इंजीनियर्स बनाएंगे। कि हमें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने साफ बता दिया था, 526 करोड़ का हवाई जहाज नहीं खरीदा जाएगा, 1600 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार देगी। एचएल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, और बेंगलोर में साइबराबाद में हवाई जहाज नहीं बनेगा, फ्रांस में हवाई जहाज बनेगा। भाइयों और बहनों, हैदराबाद और तेलंगाना के युवाओं, आपको रोजगार नहीं दिया जाता, आपसे रोजगार छीना जाता है, स्वयं नरेंद्र मोदी ने आपसे रोजगार छीना, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, और भाई और बहनों 30,000 करोड़ रुपए का फायदा नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को दिया, आपका पैसा उसके जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाला है। अब देखिए, पहले नारा चलता था अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे, अब नया नारा चला है, देखिए, चौकीदार चौकीदार चौकीदार, ये देखिए, 4 साल में अच्छे दिन आएंगे इससे चौकीदार चोर है नारा बन गया है। अब चौकीदार चोर के साथ कौन खड़ा है? तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर खड़े हुए हैं लोकसभा में, उन्होंने आपको चोट मारी, डिमोनेटाइजेशन किया, आपका नुकसान हुआ, हुआ नुकसान, आपके चीफ मिनिस्टर ने उनका समर्थन किया। गब्बर सिंह टैक्स से आपका नुकसान हुआ, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने उनका समर्थन किया। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, प्रेसिडेंट के चुनाव में आपके चीफ मिनिस्टर ने उनकी मदद की। मेरा आपके चीफ मिनिस्टर से सवाल है, आपने नरेंद्र मोदी जी का, आपने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज क्यों नहीं किया? आपने लोकसभा में, राज्यसभा में हर बिल में नरेंद्र मोदी का समर्थन क्यों किया? क्योंकि आप नरेंद्र मोदी जी की बी टीम हो। ये जो टीआरएस पार्टी है, इसका नाम तेलंगाना राष्ट्रीय समिति नहीं है, इसका नाम, नाम सुनिए, तेलंगाना राष्ट्रीय संघ परिवार है। ये तेलंगाना राष्ट्र समिति नहीं है, ये राष्ट्र आरएसएस और नरेंद्र मोदी की बी टीम है। जो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर करते हैं, इसीलिए ये गठबंधन बना है भ्रष्टाचार के खिलाफ, टीआरएस के खिलाफ हम सब खड़े हैं। और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी, तेलुगु देशम, कोडम रामजी, सीपीआई मिलकर चीफ मिनिस्टर को और नरेंद्र मोदी जी को हराने जा रहे हैं। कोई शक्ति इस बात को नहीं रोक सकती है। यहां पे गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और आप सब लोग
गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हो और यहां टीआरएस को हराने के बाद 2019 में यही गठबंधन नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को पूरे देश में हराने जा रहा है। आप देख लेना, राजस्थान में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, तेलंगाना, सब जगह छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है। आप देख लेना, यहां पे गठबंधन जीतेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम में कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है और उसके बाद 2019 में नरेंद्र मोदी जी को हराएंगे। अब जैसे नायडू जी ने बोला, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, तेलुगु देशम और देश के बाकी सब विपक्ष के पार्टी। टीआरएस के चीफ मिनिस्टर को सिर्फ यह जवाब देना है, क्या वो बीजेपी की बी टीम है, हां या ना? और अगर वो बीजेपी की बी टीम है, नहीं है, तो फिर उन्होंने डीमोनेटाइजेशन में, गब्बर सिंह टैक्स में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी का समर्थन क्यों किया? क्योंकि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे, दिल्ली में उनकी सरकार हो और यहां टीआरएस की सरकार हो। दिल्ली में हम नरेंद्र मोदी जी को हरा रहे हैं, हराएंगे। पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो गया है, तेलुगु देशम, हम, सीपीआई एक साथ खड़े होकर उनको हराने जा रहे हैं और यहां पे हमारी सरकार बनने जा रही है। कोई शक्ति इसको नहीं रोक सकती। यहां पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, टीडीपी के कार्यकर्ता, सीपीआई के कार्यकर्ता, कोडम राम जी की पार्टी के कार्यकर्ता, मिलकर लड़ना है, एक साथ खड़े होके। यहां पे अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, मगर ये सब हमारे कैंडिडेट्स हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, चाहे वो टीडीपी के कैंडिडेट हो, चाहे वो टीजीएस के कैंडिडेट हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हो, सब हमारे कैंडिडेट्स हैं। मिलकर सबको जिताना है, एक साथ लड़ना है और यहां पे गठबंधन की सरकार बनानी है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तेलंगाना के युवाओं, आपसे मैं कहना चाहता हूं, तेलंगाना के किसानों से मैं कहना चाहता हूं, जो वायदा रोजगार का इन्होंने आपसे किया था, उस वायदे को इन्होंने तोड़ा। जो कर्जा माफी की बात इन्होंने तेलंगाना के किसानों से की, वो वायदा तोड़ा था। कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार आएगी, यहां पे हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। और जो वायदा आपका पूरा नहीं हुआ, तेलंगाना का नया सपने का वायदा, वो हम पूरा करके आपको दिखाएंगे। आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय तेलंगाना। वोट ऑफ थैंक्स एमएन श्रीनिवास रेड्डी, तेलुगुदेशम प्रेसिडेंट। సైబరాబాద్ నిర్మాత, తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, జాతీయ పార్టీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు రాహుల్ గాంధీ గారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ గారు,